तो भाई लोग आप देख सकते हो वाटर के अंदर कितना मतलब पेड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ों की परछाई देखो। वेलकम भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द माई न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो भाई लोग आज मैं एक जगह और जा रहा हूँ जहाँ पे भी एक पानी का तालाब है। तो मैं घर से रेडी होकर निकल चुका हूँ और आज सर्दी है इसलिए मैंने जैकेट भी डाल ली है। और मैंने सोचा अभी रास्ते में इंट्रो दे देता हूँ और आपको भी वहाँ का व्यू इंजॉय करा देता हूँ। तो चलो चलते हैं बाइक पे। तो भाई लोग मैं वहाँ पे जाने के लिए निकल चुका हूँ बाइक पे और वो मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो मिलते हैं सीधा वहीं पे जाके, मैं थोड़ा सा व्यू इंजॉय कराता हूँ, वीडियो को बोल देता हूँ। फाइनली भाई लोग मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। लगभग मेरे को आधे घंटा हो गया चलते हुए, तब भी मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और मैं आपको रास्ते का थोड़ा ही व्यू दिखा पाया ताकि जल्दी आना था भाई लोग, और भी काम भी है। तो वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो चलो आपको अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे पास जाके दिखाता हूँ। बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है, तो चलो चलते हैं भाई लोग। तो भाई लोग अभी ज़्यादा पानी तो है नहीं और यहाँ से कुछ भी मतलब ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है, कुछ दिखाई नहीं रहा है। मैं वहाँ पे चलता हूँ उस साइड पे, वहाँ से इस तरफ से दिखाऊंगा। तो भाई लोग अभी मैं उस साइड था, अभी इस साइड आ चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ का पानी मतलब ज्यादा गहरा तो नहीं है, ये गहरा तो कम है, आप पास से देख सकते हो कितना ही गहरा है, लगभग मेरे पांव तक आएगा उतना ही गहरा है पानी। और यहाँ पे सिर्फ पूरी जगह एकदम मतलब सुनसान पड़ी है, सिर्फ पक्षियों की आवाज आ रही है, आप सुन सकते हो। ये देखो यहाँ पे कितने सारे पक्षी भी बैठे हैं, ये सभी पानी के पक्षी हैं, ना ठंड बहुत कम लगती है, ये यहीं पे बैठे रहते हैं। और यहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर भी है, ये देखो यहाँ पे मंदिर भी बहुत ज्यादा हो रखे हैं, मंदिर भी है और आप व्यू एंजॉय कर सकते हो। अभी फाइनली भाई लोग आपने ये तालाब का व्यू एंजॉय कर लिया होगा, तो चलते हैं घर पे वापस। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो करो लाइक एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।